क्या आज आपने गौड़िया वैष्णव की तरह जन्माष्टमी मनाई? ये समझने से पहले ये समझना होगा कि गौड़िया वैष्णव कौन। गौड़िया वैष्णव मतलब श्री गौरांग महाप्रभु के अनुयायी। गौरांग महाप्रभु के अनुयायी गौड़िया वैष्णव का एक ही मतलब है कि वह वो साधना करते हैं जिससे उनके दो स्वरूप होते हैं, एक नित्य नवीन लीला में किशोर रूप में श्री गौरांग महाप्रभु के सेवक के रूप में, व दूसरा राधा कृष्ण की ब्रज लीला में एक मंजरी के स्वरूप में। गौड़िया वैष्णव का इसके अलावा कोई और दूसरा मतलब ना होता था, ना होता है, ना ही होगा भविष्य में। गौड़िया वैष्णव मतलब वह साधक जिसके दो स्वरूप है नित्य लीला में। महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद से लेके अब तक जितने भी प्रामाणिक परंपरा है सब में यही भजन धारा चलती है। अब हमारा प्रश्न ये था कि क्या आपने गौड़िया वैष्णव की तरह जन्माष्टमी मनाई? क्या गौड़िया वैष्णव कुछ भिन्न प्रकार से मनाते हैं और अन्य भक्त तो कुछ भिन्न प्रकार से? ये प्रश्न भी मन में हो रहा होगा। बिल्कुल, सभी वैष्णव संप्रदाय जो हैं यदि प्रामाणिक हैं तो एक ही प्रकार से वह जन्माष्टमी मनाते हैं। यदि हमने गौड़िया वैष्णव तरीके से मनाई तो हम आपको बताएंगे वो क्या होता है। फिर आप खुद अपने आप से पूछिए क्या आपने गौड़िया वैष्णव के तरीके से मनाई कि नहीं। गौड़िया वैष्णव जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं? गौड़िया वैष्णव को छोड़िए, वैष्णव क्या होता है? वैष्णव माने जो केवल अपने ईष्ट की प्रसन्नता के लिए कार्य करता हो। मेरे ईष्ट कौन है? तो गौड़िया वैष्णव के ईष्ट कौन है? महाप्रभु और आमा ईश्वरी वृंदावनेश्वरी। हमारे ईश्वर कौन, ईश्वरी कौन है? वृंदावनेश्वरी। तो जो गौड़िया वैष्णव है वे केवल अपनी ठकुरानी के लिए, अपनी स्वामिनी की प्रीति के लिए कार्य करते हैं, अन्य कोई कार्य नहीं करते, चाहे ठाकुर की सेवा क्यों ना हो, कार्य नहीं करते। पहले राधे बाद में श्याम। अब ये जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं गौड़िया वैष्णव? हम यानी कि मैं कौन? मैं मंजरी, जो मैं मंजरी हूं राधा रानी की, राधा रानी की सखी, 12 वर्षीय सखी। तो मैं राधा रानी के साथ रहती हूं। कहां पे जन्माष्टमी कहां मनाई जाती है? कहां मनाई जाती है? श्री कृष्ण के घर में उनका अभिषेक होता है नंदीश्वर में। तो राधा रानी को आमंत्रण दिया जाता है, राधा रानी के पिताजी को भी, षष्ठी के दिन, अष्टमी सप्तमी षष्ठी, षष्ठमी के दिन आमंत्रण दिया जाता है कि कृपा करके आए और जन्माष्टमी के महामहोत्सव में सम्मिलित हो। तो राधा रानी अपनी सखियों के साथ यानी कि हमारे साथ कहां पहुंचती है? नंदीश्वर। कब? सप्तमी के दिन। तो आज है अष्टमी, तो हम तो नंदीश्वर में वैसे ही हैं। आप जन्माष्टमी मना रहे हो कैसे? सुबह सुबह जब आप स्नान इत्यादि कर लेते हो तो कुंडलता आती है आपके पास। कुंडलता श्री कृष्ण की भाभी, चचेरे भाई की पत्नी, वह आती है और बोलती है हे राधे, हे सखियों, चलो कृष्ण के अभिषेक के लिए चलो। तो हमने अभी जन्माष्टमी मनाया, अभिषेक के दर्शन किए, तो कैसे करने चाहिए दर्शन? हम कहां खड़े हैं? कृष्ण की वेदी के पास, जहां कृष्ण का अभिषेक हो रहा है। किसके साथ हो आप? जन्माष्टमी कैसे मना रहे हो? ठीक राधा रानी के साथ खड़े हो, ठीक उनके साथ खड़े होके नंदीश्वर में साथ खड़े होके दर्शन कर रहे हो। नहीं तो एक आप बात बताएं कि आपको श्री कृष्ण के दर्शन की या कृष्ण के अभिषेक देखने की क्या आवश्यकता है?
आप तो कह रहे हो अमर ईश्वरी वृंदावनेश्वरी, आप तो उनके अलावा उनकी प्रीति के अलावा कोई कार्य करता ही नहीं है। तो क्योंकि राधा रानी वहां गई हुई है श्री कृष्ण के अभिषेक में और आप उनके प्रसन्नता के कार्य करते हैं, आप भी उनके साथ गए हुए हैं, स्वतंत्र भाव से नहीं गए। आप बोले हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं अभिषेक के, क्यों? हमें अच्छा लगता है। ये ब्रज में हमें अच्छा लगने का कोई स्थान नहीं है, ब्रज में तो वही कार्य होता है जो श्री कृष्ण को या राधा रानी को पसंद हो। एक मंजरी स्माइल तक नहीं करती, मुस्कुराती नहीं है बिना राधा रानी की प्रसन्नता के। कार्य करना तो बहुत दूर की बात है, अभिषेक देखना या कोई किसी का भी कार्य करना ये तो बहुत दूर की बात है। स्वप्न में भी वह राधा रानी की सेवा के सिवा कुछ नहीं सोचती, स्वप्न में कदापि नहीं सोचती। अब श्री कृष्ण के दर्शन यदि आप कर रहे हैं तो आप कैसे सोचेंगे कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि कृष्ण जो है वो अप्राकृत कामदेव है, वो इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि सुंदर शब्द उनके सामने फीका होता है। इतने सुंदर है, इतने सुंदर व्यक्ति का अभिषेक हो रहा हो तो आंखें उसमें जड़ी रह जाएंगी स्व सुख कामना की वजह से, ठीक बात है। परंतु ब्रज में स्व सुख का कोई स्थान नहीं है, आप ब्रज में खड़े हो ठाकुर के अभिषेक के दर्शन कर रहे हो, किसके लिए? आपकी दृष्टि कहां पे है? ठाकुर के ऊपर नहीं, आपकी दृष्टि है आपके ईश्वरी के सुख के ऊपर कि वे ठाकुर का अभिषेक का दर्शन करके कितनी खुश हो रही है। हाय मैं वारी जाऊं, मेरी 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 सामने को नजर ना लग जाए इतनी खुशी, कोई उन्हें देख ले कितनी खुश है, उन्हें नजर ना लग जाए, आप ये सोच रही हैं। इतनी खुश है राधा रानी, आप ठाकुर के दर्शन करते हो अणु प्रेम से, आपको इतनी खुशी मिलेगी तो जो साक्षात प्रेम की मूर्ति है वो दर्शन करेंगी श्री कृष्ण का तो उन्हें कितनी खुशी मिल रही होगी। और आपकी सारी खुशी किसमें है? राधा रानी की खुशी में। तो राधा रानी को खुश देख के आप कितने कितने खुश हो रहे हो, ये हो रहा है जन्माष्टमी, ये कर रहे हो आप, कहा है नवाद सुन अभी अपने स्वरूप में ये कर रही हो खड़ी होके, हाँ हाँ मेरी मेरी स्वामी कितनी खुश हो रही है, हाँ उनके खुश में खुशी। भक्ति मतलब तत् सुखे सुखित्वम, उनके सुख में मेरा सुख। और मंजरी तो क्या है, ठाकुर के सुख में भी अपना सुख नहीं है, केवल राधा रानी के सुख में उनका स्वयं का सुख है। जो गौड़िया वैष्णव है वो एक स्वरूप से तो राधा रानी के साथ खड़े होके कृष्ण दर्शन करके जन्माष्टमी मना रहे हैं, क्या आप सबने ऐसे किया? अभी आपको सब यही सोचना चाहिए था, ये सखियां हैं, ये मंजरियां साथ में हैं, यही सोचना चाहिए था कि नहीं? नहीं तो सोचा करो। देखो यदि जन्माष्टमी नहीं मनाओगे सही तरीके से तो अन्य दिन कैसे मनाओगे सही तरीके से, क्योंकि ब्रज में तो रोज ही फेस्टिवल है, ब्रज में तो प्रत्येक कदम गमनम नाट्यम, शब्द जो है वो गायनम, शब्द जो है वो गाने के समान है, चलना जो है नाट्य है, नृत्य के समान है, और प्रत्येक दिन तो एक फेस्टिवल है ही है वैसे ही। तो आप आज का फेस्टिवल सही नहीं मनाओगे जन्माष्टमी तो कल क्या करोगे? भक्ति कितने दिन कर रही है साल में? केवल 365 दिन, तो 364 दिन कैसे करोगे जब आज के दिन भक्ति को सही रूप से नहीं कर पाओगे? अच्छा अन्य भक्त कैसे फेस्टिवल मना रहे हैं? आपकी दृष्टि कहाँ है? राधा रानी के सुख पे। अच्छा यदि आप भगवान श्री कृष्ण को सखा रूप से पाना चाहते हो तो आपकी दृष्टि कहाँ होगी? सीधा कृष्ण के ऊपर, हाय मेरे सखा, मेरा कितना सुंदर सखा है, इनका अभिषेक हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं, किसी की नजर ना लग जाए, आप खुश भी हो रहे हैं डर भी रहे हैं, प्रेम का स्वभाव ही यही है, खुश भी होते हैं अपने प्रेमास्पद को देख के और डरते भी हैं इनको कुछ हो ना जाए, ब्रज में कुछ हो ना जाए। ठाकुर ईश्वर नहीं है, कृष्ण के ईश्वर ना ही जाने ब्रज जन, कृष्णदास कविराज ठाकुर को ईश्वर के रूप में नहीं जानता कोई ब्रज में, वो सोचते हैं इनको नजर ना लग जाए, कुछ हो ना जाए, इतने लोग दर्शन कर रहे हैं, इतने सुंदर मेरे ठाकुर हैं,
सखा ऐसे सोच रही हैं। और जब जन्माष्टमी हो जाएगी कल या परसों, तीन दिन तो गोचारण बंद रहेगा ना, सप्तमी अष्टमी और नौमी, और दशमी को क्या होगा, सारे सखा क्या स्वभाव से होंगे, हाय कृष्ण सुबह 6 बज रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं, स्नान तैयारी कर रहे हैं, कब हमारे को बुलाएंगे और हम इकट्ठे गोचारण को जाएंगे, कब उनके साथ बैठ के भोजन करेंगे। अगर सखा भाव में तो क्या सोचोगे, हमेशा क्या सोचोगे, कब ठाकुर बुलाएंगे, कब मैं गोचारण को जाऊंगा, मैं जाऊंगा गोचारण को, ये सोचोगे। अगर आप सखा भाव में हो और मंजरी भाव में हो तो क्या करोगे दशमी में, अच्छा बताओ नौमी में क्या करोगे, नौमी में भी आप नंदीश्वर में ही रह रहे हो, रात को नंदीश्वर में ही होगे, नौमी में फिर राधा रानी की सेवा में ही होगे, फिर नौमी छोड़ के फिर राधा रानी के घर पे जाएंगे नौमी की शाम को। अच्छा दशमी को यदि आप वत्सल्य भाव से हैं कि आप भगवान ठाकुर को अपने बालक रूप में देखना चाहते हैं, तो आप कैसे दर्शन करोगे, अरे मेरे बालक का अभिषेक हो रहा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे का, यशोदा माता को वो उनके नित्य किशोर कृष्ण भी हमेशा बालक रूप में दिखते हैं, ये तो उन्हें कोई मजाक में भी बोलता है ना, श्री कृष्ण की शादी कर दो, तेरी मती मारी गई है, मेरा बालक तो इतना छोटा है, उसकी शादी की उम्र है क्या अभी। तो यदि आप वात्सल्य भाव में हो, वात्सल्य भाव में कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते हो तो आप अलग प्रकार से कृष्ण अभिषेक का दर्शन करोगे, सखा भाव में हो तो अलग प्रकार से, और यदि गौड़िया वैष्णव हो तो अलग प्रकार से श्री कृष्ण का दर्शन करोगे, और यदि नायिका भाव में हो कि कृष्ण को अपने प्रेमास्पद रूप में, जैसे ललिता विशाखा हैं या अन्य सखियां हैं जिनका अंग संग होता है कृष्ण से, यदि उस रूप में पाना चाहते हो तो कैसे दर्शन करोगे बताओ, आपको आपके ठाकुर के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा, ठाकुर का अभिषेक हो रहा है, मेरे श्याम सुंदर का अभिषेक हो रहा है, आप उसी दर्शन में विभोर हो जाओगे। तो कृष्ण का अभिषेक हर प्रमाणिक संप्रदाय के भक्त अलग प्रकार से करते हैं, बिल्कुल अलग प्रकार से और एक ही प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से नहीं। अच्छा एक स्वरूप में तो आप ब्रज में हो और दूसरे स्वरूप में हाँ गौरांग महाप्रभु के साथ, किसके साथ, चैतन्य महाप्रभु के साथ नहीं, गौरांग महाप्रभु के साथ, क्योंकि नवद्वीप में महाप्रभु सन्यासी नहीं है, वह गृहस्थ हैं, दो पत्नियों के साथ निवास करते हैं, उनके साथ आप अभिषेक देखने के लिए आओगे, पर महाप्रभु क्या करेंगे, वो कृष्ण भावावेश में आ जाते हैं जन्माष्टमी के दिन, और जहां मंडप होता है अभिषेक का वहां खुद जाके बैठ जाते हैं, और सारे दासगण अद्वैताचार्य महाप्रभु का अभिषेक कर रहे होते हैं कृष्ण स्वरूप में। ये नित्य नवद्वीप लीला में जन्माष्टमी की नित्य नित्य जन्माष्टमी लीला है, महाप्रभु का अभिषेक होता है उस समय। तो आप गौड़िया वैष्णव हो, क्या आपने गौड़िया वैष्णव के साथ जन्माष्टमी मनाई, मनाई के नहीं, हां या ना, नहीं मनाई तो बताओ, हरे कृष्ण जप किस लिए कर रहे हो, हरे कृष्ण जप जो कर रहे हैं गौड़िया वैष्णव वो एक ही प्रकार से जन्माष्टमी मनाते हैं, और ये प्रकार है। हमने कीर्तन किया, सिर्फ 3 शब्द थे उसमें, कृष्ण राधे और वृंदावन। यदि गौड़िया वैष्णव हो तो आपको तीनों को समझना अति 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 आवश्यक है, ये कृष्ण कौन है, ये राधा कौन है, ये ब्रज क्या है। यदि गौड़िया वैष्णव नहीं हो, केवल सखे भाव में उपासक हो, तो जय कृष्ण और जय वृंदावन इसमें हो जाएगा कार्य, अल्प राधा रानी की विस्तृत जानकारी कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। यदि वात्सल्य भाव में भी हो तो राधा रानी के विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है क्या, नहीं है, दूरे स्निग्ध परंपरा दूरे सुहृद मंडली वृद्धो संतु विदिरतो अन्य प्रसंगः कुतः, दूरे वो बहुत दूर है, कौन, माता पिता राधा कृष्ण की लीला से बहुत दूर है, दूरे स्निग्ध परंपरा दूरे सुहृद मंडली, वो जो सखा है वो भी बहुत दूर है। सखा क्या सोचते हैं, हम गोचारण करेंगे, हम खेलेंगे, हम एक दूसरे को झूठा खिलाएंगे, हम शर्त लगा के
जीतेंगे हारेंगे वो ये सोचे, उनको राधा कृष्ण की लीला से कोई मतलब नहीं है। हर कोई अपने भाव में परिपूर्ण है, परिपूर्ण अपने भाव में परिपूर्णता अनुभव करता है, उसको उसी लोक में और क्या क्या हो रहा है जानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम जानना चाहते हैं ना क्या हुआ क्या हुआ, क्यों? क्योंकि हम अपूर्णता अनुभव कर रहे हैं इसलिए जानना चाहते हैं। परंतु भक्त जो है वो हमेशा पूर्णता अनुभव करता है, उसे क्या मतलब कहीं पे मेरी ठाकुरानी की के साथ में दिन रात हूं, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। ये है गौड़िया वैष्णव का भाव। श्री कृष्ण भगवान है, कृपालु तो है ही है, पर जन्माष्टमी के दिन अत्यंत कृपालु है निस्संदेह। तो यदि हम जन्माष्टमी के दिन उनसे सही रूप से कुछ कामना करेंगे तो वे निश्चय ही हम पे पूर्ण कृपा करेंगे। कैसे कामना करनी है उनसे? अगर स्वयं की प्रार्थना करेंगे कुछ तो उसमें तो ये भौतिक मनुष्यों के भाव उसमें मिक्स कर देंगे तो प्रार्थना विशुद्धि नहीं होगी, समझे सर? अब आप कृष्ण को झूठा खिलाओगे क्या? अपने थॉट्स का झूठी चीजें खिलाओगे उनको, अपने गंदे मलिन विचारों की? नहीं। तो विचार किनके परम शुद्ध विशुद्ध होते हैं? नित्य सिद्ध परिकरों के। तो नित्य सिद्ध परिकर किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं श्री कृष्ण से? उस प्रकार से यदि हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना खरे सोने की तरह होगी और श्री कृष्ण तुरंत कृपा करेंगे। तो कैसे प्रार्थना करते हैं आचार्य उपासगण जन्माष्टमी के दिन? कृष्ण को क्या प्रार्थना करनी चाहिए, राधा को क्या प्रार्थना करनी चाहिए, ब्रज को क्या प्रार्थना करनी चाहिए, वो हम जानेंगे। प्रार्थना कैसे करनी है? श्री गोविंद व्रज मधु वृंद चूड़ामणिस्ते कोटि प्राणाभ्यधिक परम प्रेष्ट पादाब्ज लक्ष्मी कैंकर अद्भुत नवरसेनेव माम स्वीकरोतु भूयो भूयः प्रतिमुहुर अधिस्वामी अहम प्रार्थयामि। ये प्रार्थना करनी है, साथ में करेंगे? करिए। श्री गोविंद व्रज वधु वृंद चूड़ामणिस्ते श्री गोविंद वधु वृंद चूड़ामणिस्ते कोटि प्राणाभ्यधिक परम प्रेष्ट पादाब्ज लक्ष्मी कैंकर अद्भो नवरसेन माम स्वीकरोतु नवरसनेव माम स्वीकरोतु भूयो भूयः प्रतिमुहुर भूयो भूयः प्रतिमुहुर अधिस्वामी अधिस्वामी अहम् प्रार्थयामि अहम् प्रार्थयामि। इसका मतलब है कि हे गोविंद श्री गोविंद व्रज वधु वृंद चूड़ामणिस्ते, हे गोविंद जिनके चरण कोटि प्राण अभ्यतिक परम प्रेष्ट पादाब्ज लक्ष्मी, हे गोविंद जिनके चरण कमलों का सौंदर्य जो है तुम्हें कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय है, तुम्हें बोला जा रहा है कृष्ण को, तुम्हें आपको नहीं। ब्रज में कोई ऐसी प्रार्थना नहीं करता गोविंदा मादि पुरुषाम तमाम भजामी, ये प्रार्थना ब्रज में नहीं होती है। ब्रज में बोला जाता है तुम्हें ना राधा रानी का जो चरणों का सौंदर्य है अपने कोटि प्राणों से अधिक प्रिय है, हमें अच्छी तरह मालूम है, हमें अच्छी तरह मालूम है। तो हे गोविंद अपनी वही राधा का, उसी राधा का कैंकरे अद्भुत नवरसेनेव, जो अद्भुत दास्य है राधा रानी का दास्य, वो हमें प्रदान करो। क्या प्रार्थना है गोविंद से? कि आप हमें प्राप्त हो, ये नहीं बोला जा रहा। क्या बोला जा रहा है? आपको तो उनके चरण कमलों का सौंदर्य इतना प्रिय है, तो आप मुझे उनका चरणों का दास्य दे के कृतार्थ करो, मान स्वीकरो तू, मुझे स्वीकार करो। किस रूप में? अपने दास्य के रूप में? नहीं। अपनी सखी के रूप में? नहीं। अपने सखा के रूप में? नहीं। मान स्वीकरो तू, किस रूप में? कैंकर अद्भुत, उनके अद्भुत
दास्य राधा दास्य के दासी के रूप में मुझे स्वीकार करो। भूयो भूया बारंबार, भूयो भूया मतलब बारंबार, प्रति मुहूर्त मतलब हर क्षण, मैं बारंबार हर क्षण अधि स्वामी में स्वामी हूं, अकेले के स्वामी नहीं हूं, क्योंकि हमारी ईश्वरी वृंदावनेश्वरी तार प्राणनाथ बलि भजे गिरिधारी, उनके प्राणनाथ होने के कारण मेरे स्वामी हो, एकांत में स्वामी नहीं हो। एकांत में स्वामी तो ब्रज वधुओं के होते हैं, ललिता विशाखा इत्यादि के, परंतु आप मेरे स्वामी हो क्योंकि आप राधा रानी से संबंधित हो। अहम प्रार्थयामि, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ बारंबार। तो हम अगर गौड़िया वैष्णव तो हमें प्रति मुहूर्त हर क्षण बारंबार क्या प्रार्थना करनी चाहिए श्री कृष्ण से, कि आप मुझे राधा रानी का दास्य प्रदान करके कृतार्थ करो। केवल यही प्रार्थना में दिन रात 24 घंटे यही करना चाहिए। गोविंद क्यों बोला गया इस शब्द में, इसके पीछे रहस्य है। श्री गोविंद, श्री कृष्ण क्यों नहीं बोला, श्री गोविंद बोला। गोविंद मतलब गो मतलब इंद्रियां, विंद मतलब प्राप्त करना। जिनकी इंद्रियां, श्री कृष्ण की इंद्रियां राधा रानी को प्राप्त करने में सतत उद्ग्रीव हैं, मतलब परम उत्कंठित हैं कृष्ण की इंद्रियां हर समय राधा रानी को प्राप्त करने में, और राधा रानी कृष्ण को आसानी से प्राप्त नहीं होती ब्रज में, वो भगवान है, आपका पूर्ण काम है, लेकिन ब्रज में वे अपने आप को नंद नंदन मानते हैं। मैं नंद महाराज का पुत्र हूं, वो भगवान नहीं है कि जो चाहा जब चाहा हो गया। राधा रानी उनके लिए दुर्लक्ष्य है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है, और उनकी इंद्रियां सदा उद्ग्रीव है उन्हीं को प्राप्त करने में। दोनों बातें हैं, एक तो मुश्किल से प्राप्त और आप परम उत्कंठित हो, तो क्यों ये प्रार्थना करें, हे ठाकुर आपको जरूरत मुझे मेरी पड़ेगी, कैसे लाओगे उनके घर से, जटिला से छुड़ा के राधा ने कैसे लाओगे, मैं आपकी मदद करूंगी। अच्छा, और गुरु जनों इतनी बाधाएं आएंगी वो कौन समाधान करेगा, मैं करूंगी। आपको इतने कष्ट, आपकी राधा रानी जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो राधा रानी जब अभिसार को जाती हैं पथ पे, तूने पता ही नहीं होता वो कहां चल रही है, वो कभी विपत हो जाती है, कभी कभी बेहोश होकर गिर जाती हैं, उन्हें पकड़ेगा कौन। आपने तो बांसुरी बजाई, आपको प्राप्ति नहीं होगी राधा रानी मेरे बिना, समझे। फीलिंग करके करो प्रार्थना। भक्ति का मतलब जो है वो प्रेममयी सेवा है, सारी फीलिंग के साथ अपने भावनाओं का पूर्ण समर्पण। देखो ठाकुर, अकेले तुम्हें राधा रानी प्राप्त नहीं होने वाली, मेरे बिना तुम्हें राधा रानी के साथ विलास तो छोड़ो वो तुम्हें प्राप्त भी नहीं होंगी, तुम चाहे वेणु भी बजाओ, रास्ता कौन उन्हें पार करवाएगा, मैं। तो इसलिए सतत उद्ग्रीव इंद्रिया, तुम्हें बहुत जरूरत है राधा रानी की, तो ये सोच लो कि तुम्हें मेरी भी बहुत जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो इसलिए गोविंद बोल के संबोधित किया जा रहा है। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारी राधा रानी वो तो मेरा दास्य चाहती है, तो तुम सीधा मेरा दास्य क्यों नहीं चाहती, मेरा दास्य कौन हो। नहीं 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 नहीं, मैं तुम दोनों का दास्य चाहती हूं, परंतु मेरे प्राण सारे राधा रानी को टिके हुए हैं। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, श्री कृष्ण का लक्ष्य क्या रहता है, राधा रानी सुखी हो। राधा रानी का लक्ष्य क्या रहता है, श्री कृष्ण सुखी हो। ये बात समझिए, राधा रानी और कृष्ण दोनों ने एक दूसरे को आत्मसमर्पण किया हुआ है पूरा। जब आत्मसमर्पण किया है उनको होश ही नहीं है कि कैसे बाकी कार्य होंगे, तो सारा जो लीला का भार है राधा कृष्ण का वो सखियों के ऊपर है। ब्रज की लीला प्रारंभ नहीं हो सकती सखियों के बिना, पूर्ति तो छोड़ दो, सखी बिना ये लीला पुष्टि नहीं हो, प्रारंभ नहीं हो, पुष्टि छोड़ो प्रारंभ नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो आत्मसमर्पण करके वो तो अपने आप को भूल चुकी है, उनको पता ही नहीं चलता वे क्या कार्य कर रहे हैं। जब श्री कृष्ण राधा रानी के मेरे में तो होते हैं, वो पथ में चलते चलते बेहोश होकर रोते रहते हैं, रोते 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 नदी बन जाती है, इतने आत्मसमर्पण कर चुके होते हैं उन्हें होश, वो सोच रहे हैं
कि राधा रानी मेरी मादन रस से सेवा करना चाहती है, मैं फटाफट जाके उनकी सेवा स्वीकार करूं, पर जाऊं कैसे? वो उनके आनंद की स्मृति में बेहोश हो जाते हैं और आपको ढूंढने जाना पड़ता है। यहाँ राधा रानी निकुंज में बैठी है, श्री कृष्ण का इंतजार कर रही है। वहां ठाकुर ने भी बोला मैं आऊंगा, पर वो आए कैसे? आए कैसे? वो तो मूर्छित है। यस्य कटाक्ष शरदार विमोचितस्य तम्रादिका परिचरामि कदा रसेना। यस्य कटाक्ष शरघात, जिनके कटाक्ष शरघात, समझ शरघात समझ, जिनके कटाक्ष के घात घात घातक हो जाता है, जिनका कटाक्ष उससे विमूर्छित हो जाते हैं, तो वो तो बहुत बड़ी बात है। अभी तो दर्शन भी नहीं हुए राधा रानी, राधा रानी की स्मृति में कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। मंजरी क्या प्रार्थना करती है ठाकुर से? यस्य कटाक्ष शरघात विमूर्छितस्य तम राधिका परिचरामि कदा रसेना। मैं राधा रानी तुम्हारी वो सेवा कब करूंगी जब कृष्ण मूर्छित हो जाएंगे तुम्हारे कटाक्ष से, कटाक्ष और मूर्छित होंगे और तुम उनके उनको मादन से सेवा विलास करना चाहती हो, जब वो मूर्छित होंगे तो कैसे सेवा करोगी? हमने क्या बोला? जय राधे जय कृष्ण, ये जय, ये है राधे, ये है कृष्ण और ये है वृंदावन, और ये हो तुम। अपना रोल जानो, क्या रोल है तुम्हारा ब्रज में? वो बेहोश पड़े हैं, राधा रानी उद्ग्रीव है, माधव रसों की सेवा कर रहे हैं, जग नहीं रहे हैं। फिर बोलती है राधा रानी, ए तुलसी मैं तो थक गई, इसको उठा के उठने दे, तू तू उठा ना, तू मेरी मदद कर, ए तुलसी ए सखी, ऐसे बोलेंगी राधा रानी आपको। उपासना, उप आसन, आसन मतलब निकट रहना, उप निकट, निकट रह के सेवा करना। उपासना यही है, आपके ईश देव के निकट रह के उनकी सेवा करो। गौड़िया वैष्णव मतलब वो दिन रात राधा रानी की सेवा कर रहे हैं, उनको राधा रानी की सेवा के अलावा ना कुछ दिखता है ना कुछ सोचता है। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधा पादाब्ज छटा। जागरे जाग रहे हो तो राधा रानी, सो रहे हो तो राधा रानी, और बिल्कुल भी सो रहे हो तो भी राधा रानी। विमोल जागृत स्वप्न, स्वप्न में भी राधा रानी, जागृत में भी, और सुषुप्ति शु जब 14 इंद्रियों का कार्य बंद रहता है, सुषुप्ति शु। हम कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, उनको उनके सेवा का पक्ष दिखा के उनसे। कृष्ण भक्ति मतलब वो भक्ति नहीं है कि हम ये सोचें कि मैं बद्ध जीव हूँ, अनंत पापों से ग्रस्त हूँ, जन्म मृत्यु के सागर में पड़ा हुआ हूँ, कृपया करके मुझे भगवत धाम में वापस ले चलो। हम इसीलिए भक्ति करते हैं, ये कृष्ण भक्ति ऐसे नहीं होती। इसे कहते हैं वैधी भक्ति, क्योंकि अगर आप ऐसे भक्ति कर रहे हो इसका मतलब है आप भगवत धाम जाना चाहते हो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट के। ठीक बात है, भगवत धाम कोई भी हो आपको क्या फर्क पड़ता है, उसमें कृष्ण भगवान हो, गौरंग महाप्रभु हो, नरसिंह भगवान हो, वामन हो, नारायण हो, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इस भक्ति को कहा जाता है वैधी भक्ति, कि आपको भगवत धाम जाना है तो कृष्ण की दास्य के रूप में सेवा करने में। परंतु ब्रज की भक्ति ऐसी नहीं है, ब्रज की भक्ति होती है हम श्री कृष्ण से प्रिसाइजली प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका सखा बनना है। तो वो आपको सखा बनने की आप पे कृपा करेंगे। इसमें शब्द बोला गया है, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। कैंकर है अद्भुत नव रसेनेव मां स्वीकरो तू, मुझे आप स्वीकार करें। तो किसी भी जीव को किसी भी सेवा में श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं। आपकी इच्छा होनी चाहिए किसी सेवा की तो कृष्ण आपको सेवा में स्वीकार कर लेते हैं। यदि आप सखा बनना चाहते हो तो वैसी साधना करोगे तो कृष्ण आपको सखा के रूप में स्वीकार करेंगे। यदि आप सखी बनना चाहते हो तो आपको सखी के रूप में भी स्वीकार करेंगे, और यदि आप गौड़िया वैष्णव बनना चाहते हो तो आपको मंजरी के रूप में भी आपको स्वीकार करेंगे। माम स्वीकरो तू, मुझे स्वीकार करो, आप प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें भी यही प्रार्थना करनी है। क्या स्वीकार करो? मुझे अपनी राधा रानी की दासी के रूप में मुझे स्वीकार करो, मुझे आपका डायरेक्टली दासत्व नहीं चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कहते हैं, हे राधे यदि तुम्हारी कृपा ना हो तो मुझे ब्रजधाम की या
कृष्ण की मुझे क्या आवश्यकता है, आमी कृष्ण कृपा भिखारी नहीं, मैं कृष्ण कृपा का भिखारी नहीं हूं, मेरे को तो सिर्फ तुम्हारी कृपा चाहिए। तो यह हमें समझना होगा कि किस प्रकार से कृष्ण कृपा करते हैं। हमें कृष्ण से एक प्रकार से उनके उनकी सेवा की कामना करनी चाहिए। सखा बनना चाहते हो उसी प्रकार से कामना करो दिन रात, सखी बनना चाहते हो दिन रात उसी प्रकार से, और यदि मंजरी बनना चाहते हो तो दिन रात उसी प्रकार, किसी एक प्रकार से स्थित होकर कामना करना। इसी संबंध में और भी श्लोक बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम है वो डायरेक्ट प्रेम नहीं है, वो क्या है, निर्भर प्रेम है, निर्भर प्रेम, डायरेक्ट नहीं है। राधा पाद सरोज भक्तिम अचलाम उदुवीक्षया, ये प्रार्थना भी आप कर सकते हो कृष्ण से, क्या, राधा पाद सरोज भक्तिम अचलाम उदुवीक्षया, राधा पाद सरोज भक्तिम अचलाम, राधा चरण कमलों में मेरी अचल भक्ति देख के, उद्वीक्षा मतलब देख के, ये प्रार्थना करें, उद्वीक्षया देख के, राधा चरणों में मेरी प्रति भक्ति देख के, निष्कैतवः प्रीतः, मेरी भक्ति कैसी है, निष्कैतवः, निष्कैतव प्रीति है, कोई कपट नहीं है उसमें, निष्कैतवः प्रीतः स्वम भजतो अपि, स्वम भजतो अपि, जो श्री कृष्ण की सीधी उपासना करते हैं, जैसे सखा करते हैं सखी करती हैं, और उनके दास हैं रक्षक पता, वो सीधी उपासना करते हैं, हमारा ऐसा नहीं है। वोड़िया वैष्णव कैसे करते हैं, निर्भर महाप्रेम अधिकम सर्वशः, तो ये कि निष्कैतव प्रीति स्वम भजतो अपि, स्वम भजतो अपि, तुम्हारा जो सीधा भजन करते हैं उससे भी ज्यादा कृपा करते हो, ये देख के कि राधा रानी की ये दासी है, इसकी प्रीति बिल्कुल निष्काम है। कई बार क्या होता है कि निकुंज वन में श्री कृष्ण जा रहे होते हैं, किस लिए जाएंगे निकुंज वन में कृष्ण, किस लिए जाएंगे, राधा रानी, राधा रानी को मिलने के लिए, राधा रानी को ढूंढते ढूंढते तो वो तो पद तो भूल ही जाते हैं, कितनी बारी आनंद इतना ज्यादा होता है कि मैं राधा रानी को मिलूंगा, आप नहीं देखते कई बार रास्ते में जा रहे होते इतना आनंद होता है डबल चक्कर लगा लेते हैं। तो जब एक बद्ध जीव के प्रीति में इतना आनंद है, तो श्री कृष्ण जब प्रेम करते किससे, राधा रानी से, प्रेम की मूर्ति से, तो कितने आनंद में होते, तो स्वाभाविक है उनका अपने आप को भूल जाना, तो भूल जाते हैं, निकुंज वन में जाते हैं। तो एक कुंज मंदिर के बाहर आप कौन, आप मंजरी 12 वर्षीय सखी, आप बैठे हो, माला माले गुफन कर रहे हो, माला बना रहे हो, किसके लिए, उन्हीं के लिए माला बना रहे हो, ठाकुर आपको आके बोल रहे हो, ठाकुर ना बहुत प्रेम करते हैं, वो जानते हैं निष्कैतव प्रीति है, कि जो प्रेम है उसमें कोई कपट नहीं है। ठाकुर ये सोचते हैं कि जो सखियां होती है ललिता विशाखा, उनका तो मुझसे समय आने पे कभी कभी मिलन हो जाता है, मेरा अंग संग हो जाता है, परंतु ये जो सखियां है मंजरियां राधा रानी की, ये तो हरे संगम स्वप्न समय अभी ना ददपि, वो स्वप्न के समय भी हरे रंगम संगम वो चाहती ही नहीं है हरि का संग स्वप्न में भी। तो ये प्रीति देख के कृष्ण इतने खुश होते हैं कि स्वम भजतो अपि, अपने को जो डायरेक्ट जो कृष्ण की पूजा करते हैं भक्ति करते हैं उनसे भी ज्यादा कृपा करते हैं। तो एक बारी कुंज में माले गुफन कर रही है मंजरी, कृष्ण आते हैं तो आनंदित होते हैं बहुत मंजरी की सेवा निष्ठा देख के, फिर भी बोलते हैं ताकि सारे भक्त समाज में ये प्रचलित हो कि मंजरियां जो है सर्वोत्तम कक्षा में है भक्ति की, मंजरियों से ऊपर कोई भी भक्त नहीं है, ना था ना है ना होगा, वो सेवा निष्ठा भक्ति निष्ठा राधा निष्ठा स्थापित करने के लिए वो लीला करते हैं। क्या लीला, कृष्ण मंजरी को बोलते हैं कि हे सखी, अभी कोई भी हमें नहीं देख रहा, तो मेरा अंग संग कर लो, और ललिता विशाखा की तरह अपनी राधा की भी सेवा कर लिया करो, कोई नहीं देख रहा। उनके मन में ये वासना नहीं है कि वो अंग संग करें, क्यों वासना नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। कृष्ण के मन में वासना कैसे उत्पन्न होती है ये आप समझिए, एक बार में समझ जाइए। कृष्ण आप आत्मा राम है, आप काम है, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं किसी की,
परंतु यदि कोई भक्त किसी विशेष प्रकार से उनकी सेवा करना चाहता है तो वो विशेष प्रकार की सेवा जो होती है उनके हृदय में वो तरंग पैदा करती है कि वही वाली सेवा वो ग्रहण करे, उन्हें आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपने सेवा की ऐसी भावना पोषित कर दी है तो वो पोषित कैसे, पूर्णता कैसे प्राप्त होगी, वो सेवा स्वीकार करेंगे। तो मंजरियों की तो स्वप्न में भी इच्छा नहीं होती कृष्ण के अंग संग करने की, तो वो वासना ही नहीं है मंजरी की, तो श्री कृष्ण के मन में वो वासना कभी भी जागृत नहीं होती। ना तो मंजरी के मन में वो वासना होती है मैं कृष्ण का अंग संग करूं, ना कृष्ण के मन में ऐसा प्रेम नहीं है, डायरेक्ट प्रेम नहीं। कौन सा प्रेम है? निर्भर प्रेम महाअधिक, उनका निर्भर प्रेम है। किस पे निर्भर है? राधा रानी, राधा रानी के स्वामी है इसलिए वो कृष्ण की सेवा कर रही है। तो जब वो देखते हैं तो कहती है मंजरी, यानी कि हम कहते हैं आप ये सोचो लीला में जाओ, बैठो लीला में, सोचो बढ़िया कृष्ण मतलब राधा रानी के साथ बैठ के चिंतन कर रहा है कि ठाकुर आपके सामने आ रहे हो, आप ठाकुर को बोल रहे हो देखो कृष्ण तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारा अंग संग कौन नहीं करना चाहती, कौन तुम्हारा सब विलास नहीं कर, लक्ष्मी करना चाहती है और तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जो तुम्हारा अंग संग करके जो सुख है वो तो एक पूर्ण बराबर है, और मैं जानते हो मैं कौन हूं, मैं राधा दासी। जो राधा, देखो जितना प्रेम होगा उतना सुख मिलेगा भक्त को, सारे जीवों का प्रेम कितना होता है एक बूंद के समान, अणु के समान, तो सुख कितना मिलेगा अणु के समान, और राधा रानी जो है वो प्रेम का महासमुद्र है, तो वो महासमुद्र कृष्ण के महामाधुर्य महा आनंद का महास्वादन निरंतर करती है, और राधा रानी जो है उनसे अभी उनकी अभिन्न देह और अभिन्न प्राण है मंजरियां,